हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल चौधरी, टीम जूलॉजी सीएलसी सीकर। आज हम आपके साथ जो है बेटा दंगल सेकंड सॉल्व करेंगे। और इस दंगल सेकंड के अंदर, जैसे कि जूलॉजी वाला सेक्शन जो है आपने सॉल्व किया है, इस सेक्शन के अंदर आपको जो है वो फुली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। इन फुली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके अपने नीट का जो स्कोर है उसको बूस्टअप कर सकते हैं ईजिली। ये दंगल जो कि आपके साथ यहाँ पर प्रैक्टिस में दिए जा रहे हैं, ये दंगल आपके लिए एक संजीवनी बूटी साबित होंगे। जैसे कि आप सीएलसी के विगत वर्षों जो टेस्ट पेपर सोल्व कर रहे हैं, नो डाउट वो टेस्ट पेपर जो है वो आपके रिवीजन, आपके कॉन्फिडेंस को एक्सेलरेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपकी कर रहे हैं। उसी पैटर्न के ऊपर, नीट के नए पैटर्न पर, हम लोग जो है वो आपको दंगल के अंदर फुली एनसीईआरटी बेस्ड जो है वो रिविजन दे रहे हैं। उस एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन के अंदर टॉपिक सब टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सीएलसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध करवा रहा है जिस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस की जो सीट्स हैं उनको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दंगल सेकेंड, और दंगल सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन जूलॉजी सेक्शन से। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो है वो बोला गया है कि एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है, उस एड्रेनल कॉर्टेक्स में, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है, उस एड्रेनल कॉर्टेक्स में आपका पार्ट अगर विनाशित कर दिया जाता है, तो उस विनाशित करने के बाद, उस पार्ट के विनाशित होने के बाद कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द जोना ग्लोमेरुलोसा of the adrenal cortex would cause a deficiency of which hormone? अगर हम adrenal cortex part, जैसा कि आप जानते हैं कि adrenal gland जो है, उस adrenal gland के अंदर आपको दो part मिलते हैं। पहला part आपको मिलता है cortex और दूसरा part आपको मिलता है medulla। जो cortex part है, उस कॉर्टेक्स पार्ट के बारे में हमें यहाँ डिस्कशन करना है। तो कॉर्टेक्स पार्ट के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कॉर्टेक्स पार्ट जो होता है बेटा, वो तीन लेयर से मिलकर बना है सेल्स की। पहला है जोना ग्लोमेरुलोसा, सेकंड लेयर जो है वो है जोना फेसिकुलेटा, फेसिकुलेटा, और जो थर्ड है वो है जोना रेटिकुलेरिस। हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, वो क्वेश्चन आ रहा है किसके रिगार्डिंग, कि अगर हम जोना ग्लोमेरुलोसा को डिस्ट्रक्ट कर दें, खत्म कर दें, तो क्या होगा। उसके डिस्ट्रक्शन की वजह से इस जोना ग्लोमेरुलोसा की सेल्स के थ्रू रिलीज होने वाला हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा। अब जोना ग्लोमेरुलोसा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, तो जोना ग्लोमेरुलोसा प्रोड्यूस कर रहा है मिनरलोकोर्टिकॉइड, मिनरलोकोर्टिकॉइड। मिनरलोकोर्टिकॉइड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से जो मेन मिनरलोकोर्टिकॉइड है वह है आपका एल्डोस्टेरोन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो चला जाएगा फोर्थ, एल्डोस्टेरोन। ठीक है जी। तो एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन और सिंथेसिस दोनों ही नहीं होगा अगर हम जोना ग्लोमेरुलोसा पार्ट को वहां से डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 में आपसे पूछा गया है कि एसिडिया के लिए कौन सा कथन गलत है। एसिडिया, नो डाउट आप जानते हैं कि ये वो एक्चुअली कोर्डेट्स हैं जो कि काफी पहले ही डेवलप हो गए थे वर्टिब्रेट से। ठीक है, क्योंकि वर्टिब्रेट भी कोर्डेटा में ही आते हैं, बट कोर्डेटा जो है, उन कोर्डेटा के अंदर उनकी नोटोकोर्ड अगर वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू रिप्लेस हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम उसे वर्टिब्रेट कहते हैं। लेकिन यहां पर एसिडिया के बारे में हमसे बात की गई है। तो एसिडिया के बारे में आपसे पूछा गया है कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। सबसे पहली बात, एसिडिया जहां से बिलोंग करता है वहां पर सारे के सारे जो एनिमल्स होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मेराइन हैबिटेट के होते हैं। मीनिंग एसिडिया जो है वो कंप्लीटली मेराइन वाटर जो है उसके अंदर आपको मिलता है, या फिर इसका हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है। दूसरा बात आता है, इट इज यूरोकोडेट, ऑफ कोर्स इट इज यूरोकोडेट, यूरोकोडेट है ये, एंड नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, यूरो प्लस कोडेटा, यूरो प्लस कोडेटा। यूरो मीन्स टेल
और कोडेटा मींस नो डाउट आप सभी जानते हैं इसको, नोटो कोड, नोटो कोड. सो यहां पर ये कहा जा रहा है कि यूरोकोडेट्स में नोटो कोड सिर्फ और सिर्फ लार्वा के टेल में ही होती है. बिल्कुल सही, एडल्ट के अंदर आपको जो है ये फीचर नहीं मिल पाएगा. ठीक है जी, तो ये भी सही हुआ, ये सही है, ये भी सही है. इट इज वर्टिब्रेट बिकॉज इट हैज नोटो कोड. ओ नो, नोटोकोड के बेसिस पर हम कभी भी वर्टिब्रेटा जो है उसको डिफाइन नहीं करते हैं. एक्चुअली वर्टिब्रेट वो होते हैं जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम जो है वो रिप्लेस करती है नोटोकोड को, या तो कार्टिलेजिनस या बोनी. लेकिन यहां तो नोटोकोड ही हमें उस लार्वल टेल की स्टेज में मिल रही है या फिर लार्वा की टेल में मिल रही है. तो अपना जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत हो गया. और फोर्थ पूछा है, इट इज प्रोटोकोडेट. नो डाउट दे आर प्रोटोकोडेट्स, ये बिल्कुल प्रोटोकोडेट्स है. और प्रोटोकोडेट्स ही जो है उन्हीं में अपन को आगे क्लासिफाइड करने के बाद यूरोकोडेट्स वगैरह मिलते हैं. तो अपना आंसर जो है वो रॉन्ग पूछा है, ना कि करेक्ट पूछा है, इसलिए अपना आंसर चला जाएगा यहां पर थर्ड. इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात की गई है पेरी प्लेनेटा अमेरिकेना, यानी पेरी प्लेनेटा अमेरिकेना के बारे में आपसे यह पूछा गया है कि फॉल्स स्टेटमेंट उसके रिगार्डिंग कौन सा है. नो डाउट कॉकरोच वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं वो नीट में काफी दफा रिपीटेड पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये भी है. तो फॉल्स स्टेटमेंट हमें चेक करना है, और इस फॉल्स स्टेटमेंट में क्या देखना, देखिए जरा पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या दिया है. डेवलपमेंट इज पोरोमेटाबोलस, इसमें डिफरेंट निम्फल स्टेज होती है, निम्फ स्टेजेस, जिसकी वजह से अपन इसके डेवलपमेंट को पोरोमेटाबोलस बोलते हैं. बिल्कुल सही है जी. बाइलेटरल सिमेट्री इज प्रेजेंट. नो डाउट ये जो कॉकरोच है ये बिलोंग करता है ऑर्थ्रोपोडा फाइलम से, ऑर्थ्रोपोडा फाइलम से. ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर हमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है. तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट जाता है. ओसिलस प्रेजेंट ऑन 10th एब्डोमिनल सेगमेंट. नो डाउट ये ठीक है कि उसके एब्डोमेन पर 10 सेगमेंट होते हैं, बट यहां पर हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है ओसिलस, नो डाउट ये एक ऐसा ऑर्गन है जो लाइट के सेंस का तो पता करता है, बट डायरेक्शन ऑफ लाइट ये आपको नहीं बता पाता है. और ये हेड के ऊपर होता है. कहां पर होता है? हेड के ऊपर, हेड के कैप्सूल के आसपास, आईज के आसपास आपको ये मिलता है. सो ये गलत हो गया. एनल स्टाइल प्रेजेंट ओनली इन मेल कॉकरोच. ऑफ कोर्स एनल स्टाइल जो है वो तो करेक्टरिस्टिक फीचर ही हो गए ना, उसके बेसिस पर तो आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा मेल कॉकरोच है और कौन सा फीमेल कॉकरोच. सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड. फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था और उसके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट चला गया थर्ड. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि अंतराली संयोजी उत्तक जो है, अंतराली संयोजी उत्तक, एक मिनट कुछ गड़बड़ है, अंतराली संयोजी उत्तक, उस अंतराली संयोजी उत्तक की कौन सी कोशिकाएं प्रवाह प्रतिक्रिया तथा हिस्टामिन सेरोटोनिन और हिपेरिन में सम्मिलित होती हैं, विद सेल्स ऑफ द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. नो डाउट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज ए टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. ओके, आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस एंड सीक्रेट हिस्टेमिन सेरोटोनिन एंड हिपेरिन. तो देखिए बेटा, यहां पर आपके ऑप्शंस जो हैं, उन ऑप्शंस में से आपको दो ऑप्शन काफी ज्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा. हम यहां पर एक टाइप देख रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू का. एज वी नो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप का होता है. कौन कौन सा जी? पहला होता है एरियोलर, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. सेकेंड होता है एडिपोस. तो नो डाउट एडिपोस के बारे में हमें यहां बात नहीं करनी है, बट अगर कनेक्टिव टिश्यू है तो उसमें फाइबर है, तो फाइबर रिलीज करने के लिए आप जानते हैं फाइब्रोब्लास्ट्स होती हैं, बट ये फाइब्रोब्लास्ट तो फाइबर्स बनाती है ना, मैट्रिक्स बनाती है, ये कोई हिस्टेमिन सेरोटोनिन और हिपेरिन नहीं बनाने वाली है. इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स दे आर WBCs, टाइप ऑफ WBCs, बट इओसिनोफिल्स जो होती हैं वो भी इन्वॉल्व नहीं होती हैं. इनका नंबर जो है वो एलर्जिक, सॉरी इनका इओसिनोफिल्स की अगर हम बात करें तो इओसिनोफिल्स जो हैं वो आपकी बॉडी में पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो होती हैं उससे आपको बचाने का काम करती हैं. बट द मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स जो हैं वो मास्ट सेल्स एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स हैं बेटा,
और ये जो मास्ट सेल्स हैं यही रिलीज करती हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। बट सर ऑप्शन नंबर 4 में देखिए बेसोफिल्स दिया हुआ है, तो हम क्या यहाँ पर कंफ्यूजन आ सकता है बेटा? वो आपसे यहाँ से दो तरीके के क्वेश्चन बनाएगा। पहला वो ये आपको कह सकता है विच सेल्स ऑफ द फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू मीन्स ब्लड हो गया आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एंड सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन, देन ऑप्शन जाएगा 4th। बट अगर वो एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पूछ रहे हैं देन ऑप्शन जाएगा कौन सा? मास्ट सेल। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें आपसे पूछा गया है, उसमें आपसे पूछा गया है किसके अतिरिक्त सभी खाद्य समुद्री जलीय मछलियां हैं, यानी ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो कि समुद्री जल की हैं और जिन्हें खाया जा सकता है। ठीक है, एक को छोड़कर हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शंस के अंदर आपको बहुत ही इजीली पता लग रहा है कि कॉमन कार्प ये वाला फिश जो होता है ये फ्रेश वाटर का फिश है, हिल्सा, सार्डाइन, मैक्रे और पॉम्फ्रेट ये सारी की सारी जो है वो आपको फ्रेश वाटर की जो फिश है वो नहीं होती है, ये मेराइन वाटर की फिश होती है। ये भी मेराइन है, ये भी मेराइन है, ये भी मेराइन है, बट कॉमन कार्प जो है बेटा वो कॉमन कार्प एक्चुअली एक फ्रेश वाटर का फिश है। तो फ्रेश वाटर का फिश है उसे ही हमें छोड़ना है, मेराइन वाटर वाली तो हमारे को पूछी ही नहीं उसने, तो हमारा ऑप्शन यहां पर चला जाएगा 105। ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 क्वेश्चन जो है उस 106 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन से एंजाइम मानव द्वारा खाए गए अंडे के श्वेत भाग पर संभवतः कार्य करते हैं जब यह आहार नाल में नीचे जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, विच एंजाइम्स आर लाइकली टू एक्ट ऑन वाइट ऑफ एग ईटन बाय मेन एज इट मूव डाउन द एलिमेंट्री कैनल। तो देखिए अगर हम एग की बात करते हैं तो उस एग के अंदर नो डाउट प्रोटीन्स होती हैं, बट इस एग का जो वाइट पोर्शन होता है वो उसमें सबसे ज्यादा होती है प्रोटीन और वाटर, सबसे ज्यादा प्रोटीन है उसके बाद वाटर वहां पर होता है। तो हमें नो डाउट ये पता लगे कि डाइजेशन प्रोटीन का होना है। अब प्रोटीन का होना है तो एलिमेंट्री केनाल में जैसे जैसे वो मूव करेगा तो उस पर कौन कौन से एंजाइम सीक्वेंस में एक्ट करेंगे। ट्रिप्सिन, सो अपन जानते हैं कि ये एक एंजाइम है जो कि आपकी पेनक्रिया से रिलीज होता है, बट पेनक्रिया से पहले तो वो जो फूड है वो कंटेंट जो है वो आपके स्टमक में पहुंचेगा, तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरा दे रखा है पेप्सिन, ऑफकोर्स पेप्सिनोजन जिसको HCl कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, पेप्सिन एक्ट करेगा उसके ऊपर, देन एक्ट करेगा ट्रिप्सिन और देन एक्ट करेगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, क्योंकि जो से ही वो स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा वहां पर पेनक्रियाटिक जूस आएगा और वो पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम वो एंजाइम जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से जो प्रोटीन का डाइजेशन कर सकते हैं वो उस पर एक्शन करने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ये तो बेटा सिक्वेंस ही बहुत ही गलत है, तो इन दोनों को ऑप्शन को अपन काट देते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर हो जाएगा 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कि असत्य कथन चुनिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट लीजिएगा, और स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट दे रखा है फिल्ट्रेशन इज ए सेलेक्टिव प्रोसेस परफॉर्म बाय द ग्लोमेरुलस यूजिंग द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर। बिल्कुल स्टेटमेंट देखा जाए तो ठीक लग रहा है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का जो प्रेशर है उसको यूज करके उसके थ्रू जो है वो ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन होता है, बट यहाँ पर जो सबसे बड़ी मिस्टेक हो रही है वो हो रही है सेलेक्टिव में, क्योंकि कभी भी जो फिल्ट्रेशन है वो सेलेक्टिव प्रोसेस नहीं होता है, कभी भी फिल्ट्रेशन सेलेक्टिव प्रोसेस नहीं होता है। कोई भी बच्चा कंफ्यूज मत होना इसमें, कहाँ लिखा है ये आपको समरी में मिलेगा, ठीक है, आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम की। अगला दे रखा है, ये तो गलत हो गया, अगला दे रखा है डीसीटीएन कलेक्टिंग डक्ट अलाउ एक्सटेंसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स विच हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन। बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन फ्री फ्लूड इज फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इनटू द बोमेंस कैप्सूल। बिल्कुल सही बात है कि जो प्लाज्मा फिल्टर होता है आपके बोमेंस कैप्सूल में, उस बोमेन कैप्सूल में फिल्टर होने वाला प्लाज्मा जो है उसमें प्रोटीन नहीं होता है। प्रोटीन क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में आप जानते हैं 3 लेयर है। पहला लेयर जो होता है उस पहले लेयर को अपन बोलते हैं एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, सेकंड एंड पोडोसाइट्स। तो उनके जो पोर्स होते हैं बीच के जो फिल्ट्रेशन स्लिट होता है वो बहुत ही छोटा होता है, इसकी वजह से प्रोटीन वहां पर फिल्टर नहीं हो पाता है।
प्रोटीन वहां पर फिल्टर नहीं हो पाता है, तो बिल्कुल सही बात है। पीसीटी इज अ मेजर साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव सिक्रेशन। ऑफकोर्स ये वो साइट है जहां पर सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रेशन होता है, तो यहां पर हमारा आंसर चला जाएगा फर्स्ट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्न में से उपार्जित प्रतिरक्षा का कौन सा गुण टीकाकरण पर आधारित है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द बेस इज द बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन। नो डाउट आप वैक्सीनेशन करना चाहते हैं, तो उस वैक्सीनेशन के अंदर आप उस पर्सन को एक्टिव इम्यूनिटी ही प्रोवाइड करवाना चाहेंगे, और एक्टिव इम्यूनिटी तब प्रोवाइड होती है जब हम नेचुरली किसी पैथोजन के कॉन्टेक्ट में आते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, उसका एक्सपोजर होता है। तो जब पैथोजन अपनी बॉडी में इंटर करता है तो अपनी बॉडी में प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होता है, और उस टाइम मेमोरी सेल्स बनती है, मेमोरी बी और मेमोरी टी सेल्स। अब मेमोरी बी एंड मेमोरी टी सेल्स जब सेकेंड टाइम सेम पैथोजन से अपन अगेन भिड़ जाते हैं, या सेम पैथोजन अगेन हमें इन्फेक्ट करता है, तब अपनी बॉडी के अंदर ये सेल्स डिफरेंशिएट हो जाती हैं, एंड आपका जो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। यानी मेमोरी के ऊपर सब कुछ बेस है। ये जो मेमोरी है, इस मेमोरी के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दोनों की बात करें तो उसमें आंसर जाता है थर्ड, मेमोरी। कौन सा चला जाता है? मेमोरी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। बाकी ऑप्शन वहां पर ऐसे कुछ थे नहीं जिन्हें आप टिक करें या इनके बारे में सोचें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि डिफरेंशिएशन वाला शायद पॉइंट हो जाए। नहीं जी, डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट नहीं हो सकता। एक 109 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ए मैन डेस इज मेड अप ऑफ थिन मेजोथीलियम विथ सम कनेक्टिव टिश्यू, चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल अप द गिवन ब्लैंक ए। ये आपको कह रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल जो है एक आदमी की, वो एलिमेंट्री कैनाल का जो सिरोसा है, वो सिरोसा बना होता है थिन मेजोथीलियम से और कुछ कनेक्टिव टिश्यू उसको बनाते हैं। मेजोथीलियम क्या होता है? तो आप कह सकते हैं मेजोथीलियम मीन्स एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स। आपके जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनके एपिथीलियम को ही मेजोथीलियम कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर अगर अपन फर्स्ट की बात करें म्यूकोसा, तो बिल्कुल गलत है। लेमिना प्रोप्रिया नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सब म्यूकोसा में आप जानते हैं कि ब्लड वेसल, लिम वेसल्स, नर्व वगैरह जो होता है उनका नेटवर्क होता है, बट सिरोसा जो है वो एक सीरस मेम्ब्रेन है जो क्या करती है, सिक्रेशन करती है, इंटेस्टाइन या एलिमेंट्री कैनाल जो आपकी होती है उसको ल्यूब्रिकेट करती है। तो इसमें आंसर चला जाएगा आपका थर्ड, सिरोसा। ये आपकी काफी बार आपने इस क्वेश्चन को फेस किया होगा वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 1110 को देखें। कोशिका संधि का प्रकार जो उत्कों में पदार्थों के रिसाव को रोकता है, टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकेजिंग अक्रॉस ए टिश्यूज। तो लीक नहीं होने देता जो, तो लीक नहीं होने देता है, तो दो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहां पर डेंसली या फिर बहुत ही क्लोजली अटैच होगी वहां पर लीकेज नहीं होगा। तो इस टाइप के जंक्शन को हम कहेंगे कौन सा जंक्शन? टाइट जंक्शन। तो यहां पर अधेरिंग जंक्शन ये सीमेंटिंग का काम करता है, दो जो सेल्स होती है पड़ोसी सेल उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। टाइट जंक्शन की बात करें तो लीकिंग को रोकता है, लीकेज नहीं होने देता। गैप जंक्शन अलाउ करता है कुछ मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंज को। और हेमिडेस्मोसोम ये भी एक अलग टाइप का ही सेल जंक्शन है। तो ये वाला कल, ये भी गलत। अपना आंसर चला जाता है कौन सा? टाइट जंक्शन। चलिए जी, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, उसमें ये दे रखा है कि करंट पट के दोनों ओर दाब को बराबर करने में सहायता करता है, कौन सहायता करता है? तो अपन जानते हैं कि अपना जो ईयर है, उस ईयर की जो मिडल ईयर वाला पार्ट है, उस मिडल ईयर वाले पार्ट और एक्सटर्नल ईयर ई मतलब एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर
और ये हो गया आपका टिम्पेनियम या ईयर ड्रम। इसके दोनों ओर जो एयर का प्रेशर है उसको इक्वलाइज कौन करता है, बराबर कौन बना के रखता है? तो अपन जानते हैं कि यहां से एक ट्यूब निकलती है जिसको अपन बोलते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? यूस्टेकियन ट्यूब, जिसके ऊपर आपको एक कवरिंग मिलती है। ये कार्टिलेज की नहीं है, ये इलास्टिक फाइबर्स की बनी होती है कवरिंग, ठीक है? तो इलास्टिक फाइबर या इलास्टिक कार्टिलेज आप इसको कह सकते हैं, उसकी कवरिंग आपको यहां पर मिलती है जो कि यहां पर इसको एक शेप देने का काम करती है। तो यहां से जो भी एक्स्ट्रा एयर होती है वो आपके फेरिंग्स, नेजो फेरिंग्स से होती हुई नेजल चैम्बर से बाहर निकल आती है। तो यहां पर यही तो पूछा गया है कि उसके दोनों तरफ, किसके दोनों तरफ, आपके ईयर ड्रम यानी टिम्पेनियम के दोनों तरफ जो एयर का प्रेशर उसको इक्वलाइज कौन करता है? तो उसको इक्वलाइज करने का काम होता है यूस्टेकियन ट्यूब का, क्योंकि कोकलिया का काम सुनने का है, ईयर पिना साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। लेबायरिंथ, ये आप बोनी लेबायरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ पढ़ते हैं, पेरी लिम्फ और एंडो लिम्फ के रिगार्डिंग जो भी बनता है क्वेश्चन वो वहां से बनता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 112 और 112 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, अपनी एनसीईआरटी के ड्रग्स वाले पार्ट से दिया अपन ने। इसमें बोला गया है इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमेनिया, यानी ऐसे लोग जिनको नींद नहीं आती है उन लोगों के उपचार में हम किसको काम में लेते हैं अनिद्रा को दूर करने के लिए? देखिए बेटा, कैफीन नो डाउट कट जाता है, कैफीन कभी भी किसी भी आदमी की अनिद्रा को दूर नहीं करता। ये स्टिमुलेंट है, भले ही ये माइल्ड स्टिमुलेंट है, छोटा स्टिमुलेंट है, लेकिन ये स्टिमुलेंट है। एलएसडी ये हेलुसिनोजेनिक ड्रग है, हेलुसिनेशन कोज करता है, तो ये भी गलत हो गया। कोकेन, नो डाउट कोकेन के बारे में आप जानते हैं कि ये कोई इंसोमेनिया दूर नहीं करने वाला है। ऑप्शन अपने पास बच जाता है एक, कौन सा? बारबिट्यूरेट्स। बारबिट्यूरेट्स जो है वो बारबिट्यूरेट्स आपके इंसोमेनिया को दूर करने के लिए या मेंटल इलनेस को दूर करने के लिए इसको यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि बॉडी के जो ब्रेन के फंक्शंस होते हैं उनको स्लो डाउन करवा के एक आदमी को स्लीप कंडीशन में ले जाता है, ठीक है? तो इसका आंसर चला जाएगा फर्स्ट, बारबिट्यूरेट्स। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है इन ए रेस्टिंग मसल द रीजन वेयर थिक फिलामेंट्स आर नॉट ओवरलैप्ड बाय द थिन फिलामेंट इज कॉल्ड। तो देखिए, अपन जब एक मायोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें वहां देखने को मिलता है जहां पर हमें एक्टिन और मायोसिन दोनों फिलामेंट्स जो हैं उनका अरेंजमेंट आपको वहां पर मिलता है। आप जानते हैं कि बेटा ए बैंड जो होता है उस ए बैंड में जो मेजरली है वो मायोसिन है, लेकिन एक्टिन का कुछ पार्ट भी वहां पर होता है। जब मसल रिलैक्स होती है तो नो डाउट एक्टिन जो है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहे, और ये जो बीच में जोन है जिसको अपन एच जोन कहते हैं, हेंशन जोन, इस हेंशन जोन की अगर हम बात करें तो ये ऐसा पार्ट है जिस पार्ट के अंदर आपको कभी भी एक्टिन मायोसिन के ऊपर नहीं मिलेगा, ओवरलैप नहीं मिलेगा। हाँ, ए बैंड में मिलेगा ना, ए बैंड में तो क्या होगा ना कि एक्टिन और मायोसिन दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं अपन, ठीक है? तो बेटा एच जोन, जेड डिस्क की बात करें तो गलत है, क्योंकि ये एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है जिसे अटैच रहता है, इलास्टिक फाइबर है जिसे अटैच रहता है आपका एक्टिन। आई बैंड बिल्कुल गलत हो गया, एच जोन सही है, ए बॉन्ड को अपने वैसे काट दिया ऑप्शन, तो इसका आंसर चला जाता है सेकंड, ठीक है जी? इस एच जोन के अंदर आपको कभी भी ओवरलैपिंग नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 114, और इसमें आपसे अच्छे तरीके से एक चीज पूछी गई है जो कि आपके सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक रिगार्डिंग आपको जज करनी थी। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रॉन्ग, गलत कौन सा है? पहली बात आती है एड्रिनेलिन हृदय पेशी संकुचन के बल को बढ़ाता है, एड्रिनेलिन एग्यूमेंट द फोर्स ऑफ कार्डियक मसल कॉन्ट्रेक्शन थस फोर्सिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड आउट ऑफ द हार्ट इन ए सिंगल स्ट्रोक, बिल्कुल सही बात है। एड्रिनेलिन एक स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वहां पर काम करता है, वहां पर वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की रेट को बढ़ा देता है, इससे आपकी कार्डियक मसल्स जो है उसका कॉन्ट्रेक्शन का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है और जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी बढ़ता है। दूसरी बात आती है नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, बेटा देखो
आपके हार्ट में एक्टिविटीज दो तरीके से रेगुलेट होती है, इंट्रिंसिकली और एक्सट्रिंसिकली। एक्सट्रिंसिकली आते ही आपका एएनएस इन्वॉल्व हो जाएगा, इंट्रिंसिकली में एएनएस इन्वॉल्व नहीं होता। अपन जानते हैं कि हार्ट या कार्डियक मसल्स ऑटो एक्साइटेबल हैं, तो ऑटो एक्साइटेबल हैं तो वो अपना नॉर्मल जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कर सकती हैं, तो बिल्कुल सही है। कार्डियक आउटपुट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थ्री मेजर कंट्रोलिंग सिस्टम। द नर्वस सिस्टम, नो डाउट नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है एक्सट्रिंसिकली। हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोन जो होते हैं वो भी कंट्रोल करते हैं, जैसे कि आपका थायरोक्सिन हार्मोन हार्ट बीट रेट को बढ़ाता है क्योंकि वो आपकी बीएमआर को बढ़ाता है, इससे आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और इससे एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होना भी बढ़ जाता है। एंड द ऑटो रेगुलेशन, बिल्कुल ऑटो एक्साइटेबल सेल्स हैं तो ऑटो रेगुलेशन भी होगा। एट्रीब्यूटेबल टू द इफेक्ट ऑफ द वेनस रिटर्न टू द हार्ट मसल ऑफकोर्स। नेक्स्ट, न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपेथेटिक नर्व कैन डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, द स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। पहली बात तो जो आपका सिंपेथेटिक न्यूरल सिस्टम है, उस सिंपेथेटिक न्यूरल सिस्टम में दो टाइप के फाइबर होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। तो सिंपेथेटिक प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर और सिंपेथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो होते हैं, उसमें सिंपेथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर अपने ऑर्गन के पास जब कनेक्शन स्टेब्लिश करता है तो वहां पर वो रिलीज करता है एड्रेनलिन को। किसको रिलीज करता है? एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन को, ठीक है। ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है, ये एक हार्मोन की तरह भी काम करता है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूरॉन्स या न्यूरल सेल जो होती है उसको सिंथेसाइज करती है, एड्रेनल मेडुला से ही बनता है, ठीक है। तो यहां पर देखना, इसने कहा कि डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज नहीं करता, ये तो इंक्रीज करता है, तो ऑप्शन ये गलत हो गया, इसलिए आंसर चला जाएगा फोर्थ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नीट में मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मे बी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, इसमें आपसे बस आपका कॉन्सेप्ट ही पूछा गया कि आपको एक ग्राफ दे रहा है, वो द ग्राफ शो ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बता रहे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, विच हॉर्मोन माइट हैव कॉज द सर्ज एज इंडिकेटेड बाई द एरो। ये सर्ज जो आ रहा है ना ग्लूकोज के लेवल में, यानी ग्लूकोज का लेवल इतना जो बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है? तो अपन जानते हैं एडीएस का कोई रोल नहीं है, एफएसएस का कोई रोल नहीं है, ग्लूकागोन ये वो हार्मोन है जिसको अपन हाइपर ग्लाइसेमिया कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल मानते हैं, यानी ब्लड में शुगर लेवल को ही इंक्रीज करता है, और ये तो पूछा है, चलो ठीक है, तो ये करेक्ट हुआ। एड्रेनलिन, बिल्कुल एड्रेनलिन करता है, ठीक है, लेकिन इतना नहीं जितना आप सोच रहे हैं। इसमें टाइम के साथ एक सर्ज पूछा गया है। इंसुलिन बिल्कुल नहीं करता, एल्डोस्टेरोन बिल्कुल नहीं करता, तो ये गलत हो गया, आंसर बच जाता है कौन सा आपका थर्ड। तो चला नीचे ऑप्शंस दिए उसमें देखते हैं जरा कौन सा है। ओनली ई, तो ओनली ई गलत है, ओनली सी बिल्कुल सही है, ओनली डी गलत है, बी एंड ई गलत है। तो देखो ये बढ़ाता तो है लेकिन इतना नहीं बढ़ाता है, फिर भी ऑप्शन में भी तो इंक्लूड नहीं किया गया कहीं पर, ठीक है। तो ओनली सॉरी ऑप्शन में तो सॉरी इसको इंक्लूड किया गया है, बट ये इतना ज्यादा इसको नहीं बढ़ाता जितना अपन सोच रहे हैं, तो ये एक्चुअली आंसर जो है वो थर्ड का मतलब यहां से चूज करेंगे तो चला जाएगा कौन सा सेकंड, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जब हम सामान्य निःश्वसन और उच्छ्वसन करते हैं, चूज द ऑप्शन विच इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है। व्हेन वी कंपेयर द स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, मतलब आपको नॉर्मल ब्रीथिंग पूछा गया, आपको पूछा गया है नॉर्मल ब्रीथिंग। अब नॉर्मली ब्रीथिंग में जो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं उनको अपन एक तो कह देते हैं रेडियल मसल्स या डायफ्राम की जो मसल्स हैं इनका रेडियल अरेंजमेंट होता है, वैसे इनको फ्रेनिक मसल्स भी कहते हैं, फ्रेनिक मसल्स, फ्रेनिक मसल प्लस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये इन्वॉल्व होती है। तो पहला देखो क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है बिल्कुल,
रेडियल मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होता है, एक्सिलेशन होता है, तो डायफ्राम रिलैक्स होता है, अगेन डोम शेप हो जाता है। यहाँ पर डायफ्राम कैसा हो चुका है, यहाँ पर डायफ्राम फ्लेट हो चुका है। तो इससे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन बढ़ गया। किसका डायमेंशन? थोरेसिक केविटी का। अब थोरेसिक केविटी का डायमेंशन बढ़ेगा तो इससे जो लंग्स, उन लंग्स का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि लंग्स एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अब जब लंग्स एक्सपेंड करेंगे तो उसकी एल्वेलाई जो है वो एल्वेलाई भी एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि एल्वेलाई की वॉल के अंदर इलास्टिक फाइबर होता है तो वो भी एक्सपेंड करेगा। तो पहला तो करेक्ट है। बेटा जी, आपके इस क्वेश्चन में एक छोटा सा जो गड़बड़ हुआ है वो ये हुआ है कि यहां पर डिक्रीज आना था और यहां पर आना था इंक्रीज। बस एक टाइपिंग एरर मान लीजिए, या फिर ये गलती से जो है वो मानवीय त्रुटि रह गई यहां पर एक। तो यहां पर बोला गया है, वैसे आपके क्वेश्चन में तो ये इंक्रीज बोला गया, सारे ऑप्शंस ही करेक्ट दिए गए, बट इस क्वेश्चन को अब हो तो गया है, लेकिन इसका अपन कॉन्सेप्ट तो जाने क्या था। तो यहां पर डिक्रीज था, डिक्रीज इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम, डिक्रीज इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम। अगर ये होता तो ऑप्शन अपना यही जाता, ठीक है, क्योंकि कभी भी इंस्पायरेशन के टाइम जब आप एयर को इनहेल कर रहे हैं तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम कम नहीं होता, वो बढ़ता है। अभी बोला ना अपने कैसे, जब आपका डायफ्राम फ्लेट होगा तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का डायमेंशन बढ़ेगा, लंग्स एक्सपेंड होंगे। जब आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं उनमें कॉन्ट्रेक्शन होगा तो आपकी रिब्स और आपका स्टेरनम ये लिफ्ट आउट होगा, बाहर की तरफ उठेगा, तो इससे आपका जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो वेंट्रल डोर्सल एक्सिस के अंदर भी बढ़ेगा। इससे लंग्स एक्सपेंड होंगे, एल्वेलाई एक्सपेंड होगी, तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, नो डाउट। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली यहां पर आना डिक्रीज था, आगे इंक्रीज, ठीक। इसकी वजह से क्वेश्चन जो है वो इसमें चारों ही ऑप्शन आपके करेक्ट जा रहे हैं। तो ये होता तो ये सही हो जाता, मतलब इनकरेक्ट पूछा तो ये हो जाता, सेकंड आ जाता, बट अनफॉर्चुनेटली यहां पर डी की जगह इन आ गया। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही बात है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स, बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। लंग्स एक्सपेंड, बिल्कुल सही बात है, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। तो होता तो इसका सेकंड चला जाता। चलिए जी आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। अच्छा क्वेश्चन है, मे बी ये क्वेश्चन जो है आपको पहले फेस करने को नहीं मिला होगा, और यही आपका एडवांटेज है कि ये क्वेश्चन आपको फेस करने को मे बी नहीं मिला होगा, अगर मिला तो बहुत अच्छी बात है ये। इन द गिवन ऑप्शन सम ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन एंड देयर फंक्शंस आर मेंशन, चूज वन इनकरेक्ट मैच। इसने कह दिया आपको क्या कि इनकरेक्ट मैच चूज करना है, और उसमें भी कितना, सिर्फ एक इनकरेक्ट जो है वो इनकरेक्ट आपको चूज करना है, और इनकरेक्ट में भी कितना, एक, इसका मतलब बाकी सारे सही हैं। लंग्स, बिल्कुल लंग्स का एडिशनली काम देखें तो एक्सक्रिएशन में है, वो 200 ml प्रति मिनट CO2 का अपनी बॉडी से बाहर भेजते हैं। इसके अलावा उनके साथ उस CO2 के साथ सिग्निफिकेंट अमाउंट के अंदर वाटर जो होता है उस वाटर का भी एक्सक्रिएशन होता है। सीबेसियस ग्लैंड की बात करें बेटा तो ये आपकी बॉडी की स्किन जो होती है उसके ऊपर ऑयली प्रोटेक्शन बनाती है, लेकिन इनके थ्रू रिलीज होने वाला जो सीबम है उस सीबम के अंदर आपको स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स और डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्स मिल जाता है जिसको ये बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट करते हैं। स्वेट ग्लैंड का प्राइमरी फंक्शन जो होता है बेटा वो आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देना है, बट देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। स्वेट इज वाटरी फ्लूड, बिल्कुल वाटरी फ्लूड होता है, कंटेनिंग यूरिया, लैक्टिक एसिड एंड NaCl। जो इसका स्वाद होता है वो आप जानते हैं कि थोड़ा सा नमक वाला सा स्वाद होता है, क्योंकि इसमें NaCl है, लैक्टिक एसिड भी इसमें है, उसकी थोड़ी सी हल्की स्मेल, और यूरिया इसके अंदर रहता है। बट लीवर की बात करें, जब ये तीन सही हो गए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यही मिलेगा। चलो चेक करते हैं एक एक वर्ड को। बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होते हैं, वो दोनों ही एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है। कोलेस्ट्रोल, बिल्कुल सही बात है, डिग्रेडेड प्रोटीन, हॉर्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स। क्वेश्चन है यहां पर, कभी भी लीवर के अंदर प्रोटीनियस नेचर के हार्मोन डिग्रेड नहीं होते, वहां पर स्टीरोइड नेचर के हार्मोन जो होते वो डिग्रेड होते, और यहां पर दे दिया उसने ऑप्शन में क्या, प्रोटीनियस हार्मोन। तो प्रोटीन नेचर के हार्मोन को डिग्रेड नहीं करता लीवर, इसलिए गलत में पूछा है तो आंसर चला जाएगा कौन सा, फोर्थ, ये गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118, जेनेटिक्स का क्वेश्चन, मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ड्रोसोफिला, देखते हैं जरा क्या लिखा है इसके अंदर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय ए मेल ड्रोसोफिला हैविंग फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ टू जीन्स Y+W+, मतलब डोमिनेंट,
बॉडी और विंग्स के लिए, बॉडी कलर और विंग्स के लिए ऑन एक्स क्रोमोजोम। तो कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? नो डाउट, एक में एक्स, एक में वाई सेग्रीगेट होंगे, ठीक है, नॉन होमोलोगस से सेग्रीगेट होंगे। और सेग्रीगेट होते ही कितने टाइप के गैमेट बने? दो टाइप के गैमेट। इसने नहीं पूछा कितने बनेंगे, कितने टाइप के बनेंगे ये पूछा इसने, तो दो आ गए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। खैर, क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं। चलिए, इसके अंदर आपको क्या चेक करने के लिए कहा गया है कि हेटेरोजाइगस टोल एंड वॉयलेट फ्लावर पी प्लांट जो है उसको सेल्फ क्रॉस करवाया गया और आपको टोटल 512 सीड्स मिले। तो टोटल जो सीड्स हैं वो मिले कितने? 512, ठीक है। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ सीड्स फॉर बोथ हेटेरोजाइगस ट्रेट्स, बोथ हेटेरोजाइगस ट्रेट्स? तो अब जो है, अगर अपन मोनोहाइब्रिड की बात करें तो 1:2:1 आता है, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन डाई हाइब्रिड की बात करें तो इसमें 1/4। तो इसका मतलब टोटल आपका फिनोटाइप है 16, हेटेरोजाइगस आपके मेरे पास कितने? 4। मल्टीप्लाई कर दिया किससे? टोटल नंबर ऑफ सीड से। जो आंसर आपका आएगा वो आंसर होगा कौन सा? 128। बहुत ईजी सा है। इसमें आपको हेटेरोजाइगस का पता लग गया, टोटल फिनोटाइप पता लग गया। फिनोटाइप अपन को तब पता लगेगा जब उनको पता होगा कि मोनोहाइब्रिड है कि डाई हाइब्रिड है। और डाई हाइब्रिड के अंदर फिनोटाइप 16, 9:3:3:1। तो 9+1+3+3, इज दैट क्लियर? तो बेटा ये हो गया अपना कौन सा? 128। तो आंसर नंबर फर्स्ट चला जाएगा, बहुत इजी है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द आई बॉल कंटेन मेनी ब्लड वेसल्स, जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होते हैं, लुक ब्लूइश इन कलर। स्क्लेरा तो बेटा व्हाइट होता है, कॉर्निया के अंदर ब्लड सप्लाई होता नहीं है, नो ब्लड सप्लाई। रेटिना आपको दिखना नहीं है, ठीक है। बचा कौन? कोरोइड एलोजी हो गया, बहुत इजी है, ठीक है। तो आंसर नंबर चला जाएगा कौन सा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 121, अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इंक्रीज हो रहा आरबीसी के काउंट में कुछ स्टिमुलस दिए जा रहे हैं हॉर्मोन्स के, कौन सा पॉजिटिवली इफेक्ट डालेगा एरिथ्रोपोइसिस पर? अब थोड़ा सा बेटा ध्यान दे, मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर जब बात चल पड़ी है तो बताना चाहूंगा। क्वेश्चन तो खैर सोल्व हो जाएगा बहुत इजीली। एरिथ्रोपोइसिस मींस आरबीसी का फॉर्मेशन, ठीक है जी। अब आरबीसी के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करने के लिए आपको एक हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन किडनी से रिलीज होता है बेटा, ये हार्मोन, ठीक है, कोर्टिसोल। तो बेटा जी कोर्टिसोल आरबीसी काउंट को बढ़ाता है, डब्ल्यूबीसी नंबर जो होता है उसको डिक्रीज करता है। मतलब ये आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को रोकने का काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो ये ब्लड में आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ा रहा है, मतलब आपका जहां पर आरबीसी बन रहा है बोन मैरो में वहां पर काम कर रही है। इंसुलिन कोई रोल नहीं, थायरोक्सिन बिल्कुल रोल है जी। थायरोक्सिन जो होता है वो थायरोक्सिन पॉजिटिव इफेक्ट डालता है आपके एरिथ्रोपोइसिस पर, आपके आरबीसी के फॉर्मेशन पर, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है नो डाउट उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट है आरबीसी फॉर्मेशन के अंदर। लेप्टिन एक्चुअली वो हार्मोन है जो कि आपके एडिपोस टिश्यू से रिलीज होता है, ये आपकी बॉडी के अंदर वेट मैनेजमेंट जो होता है उसके रिगार्डिंग रिलीज होता है, कि आपकी बॉडी का वेट जो होता है उसको मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। जैसे आप लोग ग्रीन टी वगैरह पीते तो उसमें लेप्टिन का जो स्टिमुलस है वो मिलता है, तो बॉडी के अंदर एडिपोसाइट्स लेप्टिन को रिलीज करती हैं, इससे आपकी बॉडी का वेट जो होता है वो मैनेज रहता है। तो ए बी डी एंड ई, ए बी डी एंड ई, इसमें ए डी दे रखा है लेकिन बाकी नहीं दे रखे, इसमें ए डी ई दे रखा है लेकिन बी नहीं दे रखा, इसमें डी ई एफ दे रखा, तो ये गलत हो गया। तो आंसर नंबर चला गया सेकंड। अब मैं कह रहा था बेटा कि HCl एक्चुअली आयरन जो होता है उस आयरन एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है, और आप जानते हैं कि आयरन बहुत ज़्यादा जरूरी है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है HCl वाला कि कौन सी सेल को हटा देने पर इरिथ्रोपोइसिस अफेक्टेड होगा। तो HCl रिलीज करने वाली जो गैस्ट्रिक सेल्स उनको हटा देंगे तो उस वो इफेक्ट होगा, ठीक है। तो आंसर सेकेंड चला जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 122 में क्या कहता है कि बताइए कौन सा कथन सही है,
सॉरी कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट ट्रू. व्हेन ऑल कॉर्न्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली ए सेंसेशन ऑफ व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस. ऑफ कोर्स व्हाइट लाइट तभी प्रोड्यूस होगी जब सारे के सारे कॉर्न सेल्स एक साथ में क्या किए जाएंगे, स्टिमुलेट किए जाएंगे. हेयर सेल्स आर मैकेनोरिसेप्टर्स फॉर द ऑडिटरी एंड वेस्टिबुलर सिस्टम एंड बेंडिंग ऑफ देयर स्टीरियोसीलिया अल्टर देयर मेम्ब्रेन पोटेंशियल. तो बेटा देखो, अगर अपन ऑर्गन ऑफ कोटी की बात करें तो वहां पर जो सेल्स होती हैं उन पर आपको ये हेयर सेल्स मिलती हैं. ऑर्गन ऑफ कोटी के अंदर जो हेयर सेल्स होती हैं वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से जब स्ट्राइक करती हैं, बेंड होती हैं वो, तो इसकी वजह से वहां पर एक स्टिमुलस जनरेट होता है जो कि ब्रेन के पास भेज दिया जाता है फिर आपकी ऑडिटरी नर्व के थ्रू. और वेस्टिबुलर सिस्टम की बात करें तो वो आपकी बॉडी के अंदर बैलेंसिंग करता है, तो वहां पर भी आप ऑटोलिथ ऑर्गन को पढ़ते हैं. तो ऑटोलिथ ऑर्गन के अंदर वही बेटा एम्प्यूला और क्रिस्टी वगैरह जो होती है, क्रिस्टी एम्पुलरिस और मेक्यूला, दो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस करती हैं, तो वहां से ये पोर्शन आता है. तो बिल्कुल ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, मैकेनोरिसेप्टर है. द एक्सॉन्स ऑफ द बाइपोलर सेल्स ऑफ द रेटिना आर बंडल टुगेदर इन द ऑप्टिक नर्व. ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम बात करें तो सबसे पहले फोटो रिसेप्टर सेल्स आती हैं जिसमें एक आ जाती है रोड और एक आ जाती है कोन. अरेंजमेंट में बात कर रहे हैं आउटर टू इनर. इसके बाद बेटा बीच में आती हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स और बाइपोलर न्यूरॉन्स के बाद आती हैं गैंग्लियोनिक सेल्स या गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. एक्चुअली जो लाइट है वो इधर से गुजर रही है और जा रही है किसके पास, रोड एंड कोन सेल्स के पास. अब यहां पर जो चेंज होने वाले हैं वो चेंज इधर आने वाले हैं. तो जो गैंग्लियोनिक सेल्स के एक्सॉन है वो गैंग्लियोनिक सेल्स के एक्सॉन ऑप्टिक नर्व बनाएंगे, ना कि बाइपोलर न्यूरॉन के. बात समझ में आई, इसलिए बेटा ये गलत हो गया. रोडोप्सिन इज द विजुअल पिगमेंट ऑफ रोड सेल. ऑफकोर्स रोड सेल्स का ही विजुअल पिगमेंट है रोडोप्सिन. इसके अंदर तीन डिफरेंट टाइप के ऑप्सिन कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिसकी अगर अपन बात करें तो क्लोरोप्सिन, साइनोप्सिन, इरिथ्रोप्सिन, जो कि आपके कलर जो है उसको पहचानने में आपकी सहायता करते हैं, जो कि आपको एक डिफरेंट स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी प्रोवाइड करवाते हैं. तो बिल्कुल ये भी सही बात है. थर्ड ऑप्शन गलत है और थर्ड ही आपसे पूछा गया कि गलत क्या है, तो थर्ड आपका आंसर आ जाता है. क्वेश्चन नंबर 123, ये भी आपका मॉर्गन का क्वेश्चन है. वहां पर जो मॉर्गन को रेशियो मिला था उस रेशियो में वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि वो मान के चल रहा था कि उसे वही मिलने वाला है जो पेरेंट्स के अंदर है, लेकिन उसको ऐसा नहीं मिला था. एक्चुअली इसने बोला है द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स फॉर आई कलर एंड विंग्स इन ड्रोसोफिला इज. तो देखो बेटा, आई कलर ठीक है. तो आई कलर की बात करें तो अपने बात की थी कि या तो होंगी रेड आई, रेड आई तो डोमिनेंट है ही नहीं, एक सॉरी रेड आई तो डोमिनेंट है प्लस आ जाएगा सॉरी व्हाइट आई जो है बेटा, उस व्हाइट आई की बात करें तो वो डोमिनेंट कोई फीचर है नहीं, उसका डोमिनेंट उसका ट्रेट है नहीं. तो आईज की अगर अपन बात करें तो डब्ल्यू प्लस ठीक है, और फिर वो बात कर रहा है विंग्स की ठीक है. अब बेटा विंग्स सॉरी नॉट डब्ल्यू प्लस, विंग्स मान लेते हैं अपन ए है और ये बी है, इनके बीच का डिस्टेंस तो हमें दो क्रॉस करवाए गए थे, क्रॉस ए जिसमें मॉर्गन ने लिया था बॉडी कलर और आई कलर, उसके अंदर उसको 98.7% अगर आपको याद है बेटा अच्छे से, तो ये उसको पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिला था, ये पेरेंटल टाइप मिला था, और 1.3% उसको रिकॉम्बिनेंट टाइप मिला था. बट क्रॉस सेकंड जो था जिसमें जीन्स की डिस्टेंस ज्यादा थी इसलिए रिकॉम्बिनेंट बनने के चांस बढ़ गए थे, जिसकी वजह से वहां पर उसको 37.2% जो है वो मिला था रिकॉम्बिनेंट टाइप, और बाकी का बचा हुआ जो टाइप था वो उसको मिला था क्या, पेरेंटल टाइप. तो उसने सेकंड क्रॉस को पूछा आपकी एनसीईआरटी से, क्या बोला उसने कि आई के कलर और विंग्स जो है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो जो रिकॉम्बिनेंट टाइप है वही डिस्टेंस है 37.2%. ये लो जी आंसर नंबर थर्ड. दोनों क्रॉस का आपको याद रखना, नो डाउट आप अच्छे से जानते हैं इस बात को कि क्या याद रखना इसमें. 124, चलिए एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन जिसको देख लेते हैं.
कि इनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग पीएच में, तो पीएच में लिख देता हूं, अरेंज करना आप अच्छे से जानते हैं, फिर 7.8 सेलाइवा, 6.8 और ये 1.8, ठीक है जी। अब डिक्रीजिंग पीएच यानी सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला, फिर उससे कम वाला और फिर सबसे कम वाला, देख लीजिए कौन सा आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, बिल्कुल जी फर्स्ट आ रहा है, ये लीजिए सर फर्स्ट आ गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना एक एनसीईआरटी का पैराग्राफ जहां पर लिखा है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज कैरीड आउट बाय द लोकल डेस प्रोड्यूस बाय डेस एंड डेस म्यूकोसा। यहां पर ये जो कॉलम्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये क्या है, तो बेटा आपके जो सिक्रेशन है डाइजेस्टिव जूस के उनका हार्मोनल कंट्रोल होता है, और वो हार्मोन कुछ तो लोकल हार्मोन्स होते हैं, तो लोकल हार्मोन तो न्यूरोट्रांसमीटर वाला तो कट गया, प्रोड्यूस होते हैं किससे, म्यूकोसा से, लेकिन किसकी म्यूकोसा से, वो हार्मोन या तो बेटा गैस्ट्रिक म्यूकोसा से या इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, क्योंकि लीवर का वहां कोई लेना देना नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन वैसे कट गया, तो आंसर चला गया तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126, डायनासोर के बारे में पूछ लिया आपसे, एक ऐसा डायनासोर जो लगभग 20 फीट लंबा था और उसके दांत जो थे काफी ज्यादा डरावने, और डरावने के अलावा कृपाण जैसे दांत थे, काटी जाने वाली जो एक औजार होता है उसके जैसे, ऐसा कौन सा था, स्टेगोसोरस तो था नहीं उसके, तो पहली बात इतनी लंबी हाइट थी नहीं, ट्राइसेरोटॉप्स जो था बेटा उसके तो सिर के ऊपर तीन सींग थे तो ये वैसे कट गया, ब्रेकियोसोर सबसे लंबा था तो ये वैसे कट गया, इसने 20 फीट की हाइट दी है तो ये हो गया टायरेनोसोरस रेक्स, टायरेनोसोरस रेक्स, ठीक है ये पूरा नाम है, तो ये आ जाएगा थर्ड, वैसे कैटेगरी होती है टायरेनोसोरस रेक्स एक डायनासोर है जो सबसे बड़ा डायनासोर था। क्वेश्चन नंबर 127 में आपसे बोला गया है इम्यूनिटी के बारे में, लेकिन इम्यूनिटी में थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है, सेलेक्ट द एग्जांपल ऑफ नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी भी बेटा दो टाइप की होती है, एक होती है बेटा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, और एक होती बेटा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल पूछा हमसे, तो नेचुरल का मतलब होता है बेटा जब अपन एक पैथोजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो अपनी बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जो है उसकी अगर हम बात करें तो वैक्सीन से प्रोवाइड करवाई जाती है, तो देख लेते हैं जरा क्या क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स ट्रांसमिटेड थ्रू मदर्स मिल्क, ये बेटा इम्यूनिटी तो दे रहा है बट ये दे रहा है नेचुरल पैसिव, कौन सा दे रहा है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, तो फर्स्ट कट गया ऑप्शन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स इंजेक्टेड इन ए पेशेंट, इम्यूनोग्लोबुलिन दे रहे हो आप, एंटीबॉडी दे रहे हो आप, इसका मतलब आप रेडीमेड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी दे रहे हो। एटीनवेटेड पैथोजन इंट्रोड्यूस इन द बॉडी, बिल्कुल ये एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगा बट नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल, तो कट गया। डायरेक्ट एक्सपोजर टू एंटीजन, बिल्कुल सही है, थर्ड आंसर आ जाएगा डी, ठीक है, तो नेचुरल एक्टिव पूछा था इसलिए डायरेक्ट एक्सपोजर आ गया। 128, क्वेश्चन नंबर 128, थाइमस ग्लैंड इज ए लोबुलर स्ट्रक्चर, बिल्कुल थाइलेट ग्लैंड एक लोबुलर स्ट्रक्चर है, लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टेर्नम, आपके जो लंग्स है उन लंग्स के बीच में यहां पर जो मीडिया स्टेनम स्पेस है, सॉरी बिटवीन, हाँ बिल्कुल, ये मीडिया स्टेनम स्पेस वाला जो पोर्शन है जहां पर आपका हार्ट भी प्रेजेंट रहता है उसके ठीक थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ऑन द साइड ऑफ aorta, ऑन द साइड ऑफ द aorta, aorta के कौन सी साइड पर होता है, तो बेटा इसके ठीक पीछे की तरफ हार्ट है आपका, और हार्ट जो है उस हार्ट से आपकी जो aorta राइज होती है बेटा उस aorta के वेंट्रल साइड पर होता है, कौन साइड पर होता है, वेंट्रल, स्टेर्नम जो है अपना स्टेर्नम के डोर्सल पे और aorta के वेंट्रल पे, तो हमें तो aorta के अकॉर्डिंग बताना है, तो डोर्सल तो कट गया, लेटरल होगा नहीं, डोर्सो लेटरल वैसे नहीं होगा, वेंट्रल चला जाएगा, आंसर नंबर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 129, क्या कहता है 129 क्वेश्चन? सेलेक्ट द इनकरेक्ट प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू द हार्मोन. हार्मोन के बारे में गलत आपको सेलेक्ट करना ऑप्शन. रिलीज डायरेक्टली इन टू द टिश्यू फ्लूड. ये डायरेक्ट टिश्यू फ्लूड के अंदर रिलीज किए जाते हैं. टिश्यू फ्लूड का मतलब सिंपल सी बात है, यहां पर आप ब्लड को ले सकते हैं. इसके अलावा एक्चुअली एक चीज का ध्यान भी रखिएगा बेटा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जहां पर हैं, जिस फ्लूड के अंदर वो बेनिथ है, प्रेजेंट है, सिचुएटेड है, वहीं पर अपना वो फ्लूड रिलीज करेंगी. ब्लड जो है, उस ब्लड की बात करें तो अपनी बॉडी के अंदर अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन को ब्लड में रिलीज करती हैं. बट कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर वो डायरेक्ट जो है वो उसके सराउंडिंग जो फ्लूड होता है उसके अंदर रिलीज करती हैं. तो टिश्यू फ्लूड में रिलीज करती हैं, बिल्कुल सही बात है. हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, बिल्कुल नेचर में बहुत स्पेसिफिक होते हैं ये. अलग अलग नेचर होती है, प्रोटीन, स्टीरोइड, एमिनो एसिड्स के डेरिवेटिव जो है वो, अलग अलग टाइप्स के ये हार्मोन होते हैं नेचर में. डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, बिल्कुल एनर्जी देना इनका काम नहीं है, मैसेंजर का ये काम करते हैं. न्यूट्रिएंट सब्सटेंस नहीं जी, ये नॉन न्यूट्रिएंटिव होते हैं, ये कभी भी न्यूट्रिशन नहीं देते सेल्स को, इसलिए गलत हो गया. तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा कौन सा, फोर्थ. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें तो उसमें आपसे बोला गया इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर स्टिमुलेट सर्टेन स्पेसिफिक सेल्स ऑफ द एट्रिया ऑफ द हार्ट टू सिक्रेट ए पेप्टाइड हार्मोन इज कॉल्ड रेनिन. नहीं जी, रेनिन को तो किडनी की जेजी सेल्स रिलीज करती. एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर ANF, बिल्कुल यही रिलीज होता है बेटा एट्रिया से, तो ये बिल्कुल सही है. एंजियोटेंसिन ये तो प्रोटीन है. एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करने में इसका कोई रोल नहीं होता, वो रोल होता है रास का. रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन का जो भी सिस्टम बनता है वहां पर उसका ये फंक्शन होता है. तो आंसर चला जाएगा बेटा सेकंड. यानी इस क्वेश्चन में साफ पूछा गया आपसे कि जब आपका ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इससे बार बार जब ब्लड जाता है आपके एट्रिया से, तो एट्रिया की वॉल में जो सेल्स होती हैं स्पेशल टाइप की सेल्स, वो सेल्स कुछ पेप्टाइड नेचर के हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं, उसका नाम क्या है, ANF, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर. क्वेश्चन नंबर 131, अच्छा क्वेश्चन है 131 नंबर क्वेश्चन. कॉर्पस ल्यूटियम हैज फंक्शन सिमिलर टू विथ रेस्पेक्ट हॉर्मोन सिक्रेशन. भैया आपको कॉर्पस ल्यूटियम का हॉर्मोन सिक्रेशन के रेफरेंस में ये बताना है कि वो किसके सिमिलर होती है. तो कॉर्पस ल्यूटियम बेटा लीवर के तो सिमिलर नहीं होता है. यूट्रस कोई हार्मोन यहाँ पर रिलीज नहीं कर रहा है. फेलोपियन ट्यूब का कोई रोल नहीं है भाई. प्लेसेंटा जो है वो प्लेसेंटा हार्मोन रिलीज करती है आपका, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये हार्मोन्स जो हैं ये रिलीज करती है वो. ठीक है, जब वो बन जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम का काम फिर आधा हो जाता है, उसके ऊपर इतना लोड नहीं रहता और ये धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है. लास्ट में जाकर जब डिग्रेड हो जाता है तो पार्चुरेशन स्टार्ट हो जाता है. तो इसमें आंसर चला जाएगा सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 132, अच्छा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 132 जो है वो एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है सेलेक्ट द हार्मोन विच इज नॉट सिक्रिएटेड बाय द एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक. पहला है रेनिन. तो रेनिन अभी अभी अपने पास आया था, जेजी सेल्स इसको रिलीज करती हैं. तो जेजी सेल्स तो किडनी की सेल्स हैं, इससे इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो पहला ही कट गया. गैस्ट्रिन ये बेटा स्टमक की सेल्स रिलीज करती हैं, स्टमक की जी सेल्स. सिक्रेटिन ये बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन से, और कोलेसिस्टोकाइनिन CCK ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है. तो फर्स्ट, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है तो फर्स्ट आंसर इसमें चला जाएगा. 133 आपके जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये बोला गया सेलेक्ट द अर्लीएस्ट इवेंट, यानी वो इवेंट जो कि बहुत ही जल्दी होता है, अकर इन ए नर्व सेल इन रेस्पॉन्स टू ए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. अपन जानते हैं कि एक नर्व सेल जो होता है, उस नर्व सेल की बात करें तो वो एक्साइटेबल सेल है,
उसकी आउटर सरफेस पर, सेल की मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर नेगेटिव और इनर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, सॉरी, अगर अब हम इसके बारे में बात करें, इसको इतना ज्यादा लेंथी खींचने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना का एक तरीका मैं बता देता हूं। अपन जानते हैं बेटा कि ये जो सेल्स हैं, नर्व सेल, वो नर्व सेल एक एक्साइटेबल सेल है, एक्साइटेबल सेल, यानी ये सेल है बेटा पोलराइज्ड, ये सेल है बेटा कैसा, पोलराइज्ड सेल। तो पोलराइज्ड सेल है, इसका मतलब इस सेल की मेम्ब्रेन के जो चैनल्स हैं, जो गेट्स हैं, उनकी बात करते हैं। तो सोडियम चैनल जो होता है बेटा वो क्लोज रहते हैं जब सेल एक एक्साइटेबल कंडीशन में पोलराइज है। पोटेशियम चैनल जो होते हैं वो पोटेशियम चैनल ओपन रहते हैं, तो पोटेशियम का अंदर बाहर जाना लगा रहता है, मतलब पोटेशियम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब इनर टू आउटर जाता है, इससे अंदर की तरफ चार्ज लगातार नेगेटिव होने लगता है, और वो नेगेटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि अंदर नेगेटिव प्रोटीन वगैरह फिर ज़्यादा बच जाता है, केटाइन बाहर जा रहे हैं। इसके अलावा बेटा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है, वोल्टेज गेटेड चैनल, ये भी बंद रहते हैं। इस टाइम ये पंप जो है, सोडियम पोटेशियम पंप, ये एक्टिवेट रहता है, क्या रहता है, एक्टिवेट। तो इससे वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है उसको मेंटेन किया जाता है, आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को। तो जैसे ही एक नर्व सेल को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मिलेगा, स्टिमुलस मिलेगा, तो क्या होगा, ओपनिंग ऑफ द पोटेशियम चैनल इन द सेल मेम्ब्रेन, जी बिल्कुल नहीं, वो तो पहले से ही ओपन है, वो तो बंद होंगे, ठीक है, क्योंकि अब डीप पोलराइजेशन होना है। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज इनटू द सिनेप्स, सिनेप्स की तो बात ही नहीं चल रही है ना, क्योंकि स्टिमुलस मिली किसको रहा है, नर्व सेल को, तो ये भी गलत हो गया। अर्लीएस्ट मूवमेंट पूछे, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन, अर्लीएस्ट मूवमेंट में सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं, वो अलाउ करते हैं सोडियम के मूवमेंट को नर्व सेल के अंदर, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ। इससे इनर सरफेस धीरे धीरे फिर पॉजिटिव चार्ज होती है और जो नेगेटिव चार्ज है वो सेटल होने लगता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो -70 मिलीवोल्ट था वो धीरे धीरे -60, -50, -40, -30, -20, 10, 0, +10, +20 की तरफ बढ़ने लगता है, वो एक एक्शन पोटेंशियल वहां बन जाता है। तो बिल्कुल ये सही बात है, पोटेशियम आयन डिफ्यूज आउटसाइड द न्यूरोन वाया पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, जी बिल्कुल नहीं जी, इस टाइम पोटेशियम चैनल हो चाहे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल हो, वो सारे बंद रहते हैं जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल चुका होता है तब, क्योंकि वो बंद हो जाते हैं तभी सोडियम चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ये सारे ओपन होते हैं, उधर पोटेशियम चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल और सोडियम पोटेशियम पंप, ये हो जाता है बंद। तो अपना आंसर चला जाता है थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134, जिसमें आपको ये बताना है कि कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं और उन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में से किसका फंक्शन मैच नहीं कर रहे। ट्यूबेक्टमी, ट्यूबेक्टमी का मतलब होता है बेटा फेलोपियन ट्यूब जो है उस फेलोपियन ट्यूब को लाइगेट करना, कट करना। तो सामने लिखा प्रिवेंट ऊजेनेसिस, जी बिल्कुल गलत, ऊजेनेसिस को प्रिवेंट नहीं करता, वो गैमेट ट्रांसपोर्ट को प्रिवेंट करता है, ठीक है, ऊजेनेसिस तो पहले ही बंद हो चुका है। बैरियर मेथड, ये प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन को, ये मीटिंग नहीं होने देते स्पर्म और ओवम की, तो बिल्कुल सही है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो या तो प्रिवेंट करती है या रिटार्ड करती है एंट्री स्पर्म की, और ओवुलेशन को भी नहीं होने देती, क्यों, क्योंकि हार्मोनल सर्ज कर देती है। इमरजेंसी पिल तब काम में ली जाती है बेटा जब इम्प्लांटेशन जो है ब्लास्टोसिस्ट का उसको रोकना है, क्योंकि फिर इमरजेंसी पिल्स प्रोजेस्टेरोन का लेवल इतना बढ़ा देती है, इसकी वजह से म्यूकस की जो कोटिंग होती है यूट्रस की एंडोमेट्रियम पर वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है और वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो नहीं पाता है। तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट है, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 135 पार्शियल प्रेशर का क्वेश्चन है, और इसमें आपसे ये बोला गया है कि PO2 जो है
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 40 mmHg, और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वह 45 mmHg। ये जो पार्शियल प्रेशर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का 40 mmHg, ये किसके सिमिलर है? तो देखिए सिंपल सी बात है कि जो ब्लड एल्वलाई से आ रहा है, जो ब्लड एल्वलाई से आ रहा है उसमें तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, 95 mmHg। फिर वो आपके हार्ट में जाते हैं और फिर आपके हार्ट से वो आपके बॉडी के टिश्यूज के पास जाते हैं, यानी सिस्टेमिक आर्टरीज में चला जाता है। तो सिस्टेमिक आर्टरी जो है उसके अंदर भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 के अप्रोक्सीमेट मिलता है। टिश्यूज में जब ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है तो यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आया जाता है वो लेकर आते हैं सिस्टेमिक वेन्स। बट सिस्टेमिक वेन की बात करें तो वो ऑप्शन में नहीं है, वरना सिस्टेमिक वेन में भी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है, 40, और CO2 का होता है कितना बेटा, 45। ठीक है, अब बचा कौन, पल्मोनरी वेन। तो बेटा जो हार्ट में ब्लड आएगा वहां से ब्लड जाएगा किसके पास, एल्वलाई के पास, और एल्वलाई के पास जो ब्लड लेकर जाएगी उसका नाम है बेटा पल्मोनरी आर्टरी। बाई मिस्टेक वेन बोल दिया, पल्मोनरी आर्टरी। तो बेटा जी पल्मोनरी आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो कि आपके हार्ट के राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किधर की तरफ लेकर जा रही है, लंग्स की तरफ। और ये तो उसने बोला है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 mmHg है, तो वो किसमें मिलता है, पल्मोनरी आर्टरी में। किसमें मिलता है, पल्मोनरी आर्टरी में। तो आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा, पल्मोनरी वेन। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेकर जाती है बेटा हार्ट की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 135 सेट ए कंप्लीट हुआ बेटा। क्वेश्चन नंबर 136 सेट बी जो है उसको चेक करते हैं। चलिए सेट बी जो है उस सेट बी के अंदर वही नीट का पैटर्न, वही नीट के टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। गिवन बिलो आर फोर स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग आपको चार स्टेटमेंट दिए गए हैं। विच टू ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से दो जो है वो करेक्ट है और उस ऑप्शन को आपको चूज करना है। पहला बोला है आर्टरीज आर थिक वॉल, कि आर्टरी का वॉल जो होता है वो थिक होता है एंड हैव नैरो ल्यूमेन एज कंपेयर टू वेन्स। बिल्कुल नैरो ल्यूमेन है इसका। एंजिना इज एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन ब्लड सर्कुलेशन टू ब्रेन इज रिड्यूस। नहीं बेटा, एंजिना पेक्टोरिस जो है ना वो तब होता है जब बेटा अपने कार्डियक मसल्स के पास सफिशियंटली नहीं जाती है। ठीक है, ब्लड पर्सन सॉरी ऑक्सीजन जब नहीं जाती है, पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी कैन डोनेट ब्लड टू एनी पर्सन विथ एनी ब्लड ग्रुप अंडर ए बी ओ सिस्टम। बेटा ए बी ब्लड ग्रुप वाले यूनिवर्सल रेसिपियंट होते हैं, ना कि यूनिवर्सल डोनर। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कैल्शियम आइंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग के अंदर कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन चला जाएगा बेटा ए एंड डी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 137 नंबर क्वेश्चन में आपसे म्यूटेशन थ्योरी के बारे में कुछ बात की गई है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, हुगो डिवरीज वर्क ऑन इवनिंग प्राइमरोज, बिल्कुल सही बात है, एंड गिव द आइडिया ऑफ वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। नहीं जी, म्यूटेशन का आइडिया दिया, गलत हो गया। सोल्टेशन इज ए काइंड ऑफ म्यूटेशन, ऑफकोर्स इट इज ए लार्ज स्टेप म्यूटेशन, इज ए सिंगल लार्ज स्टेप म्यूटेशन। सोल्टेशन एक सिंगल लार्ज स्टेप म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन आर डायरेक्शनल, जी गलत है, म्यूटेशन डायरेक्शनल नहीं होते। अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इज सपोज टू रिमेन फिक्स एंड इवन रिमेन सेम थ्रू जनरेशंस। बिल्कुल, जनरेशन टू जनरेशन वो कॉन्स्टेंट रहती हैं अगर पॉपुलेशन उनके बताए हुए कुछ रूल्स फॉलो करती है, जैसे कि पॉपुलेशन का साइज लार्ज होना चाहिए, म्यूटेशन होना नहीं चाहिए, इसके अलावा रेंडम जो है वो मेटिंग होनी चाहिए, ये चीज़ें उन्होंने बताई थी। तो अगर वो फॉलो करता है कोई भी पॉपुलेशन, तब वो एक
हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में या जेनेटिक इक्विलिब्रियम में बनी रहती है। तो दो ऑप्शन अपने पास करेक्ट हैं, बी एंड डी, आंसर नंबर आ जाएगा सेकंड। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 138 नंबर क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा डायग्राम तो आपको छोटा लग रहा होगा। 138 में आपसे पूछा गया है कि आपको जो डायग्राम्स दिए गए उनको चेक करना है, और उसमें से जो प्लाज्मोडियम है उस प्लाज्मोडियम के कुछ साइकल्स दे रखे हैं, उसमें से गलत जो है उस गलत को सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। इनमें से गलत का सिलेक्शन आपको करना है बेटा, जैसे कि पहले में ही दे रखा है कि पैरासाइट रिप्रोड्यूस होता है एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल्स, ह्यूमन की रेड ब्लड सेल्स के अंदर वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, हीमोजोइन्स वगैरह बनते हैं, गैमेटोसाइट्स बनते हैं, जब वो ब्रस्ट होती है आरबीसी इन्फेक्टेड आरबीसी, तो उसकी वजह से फीवर जो होता है वो फीवर आता है, बिल्कुल सही बात है। सेक्सुअल स्टेज गेमिटोसाइट्स डेवलप इन आरबीसी ऑफ मॉस्किटो, वो मॉस्किटो की आरबीसी के अंदर बनती है, वो मॉस्किटो की आरबीसी में बनती है, ये कह रहा है स्टेटमेंट गलत है, वो तो मेल की आरबीसी में बनती, मेल सॉरी ह्यूमन की आरबीसी में बनती है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन स्टमक ऑफ मॉस्किटो, बिल्कुल सही है। मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट्स एस्केप फ्रॉम द स्टमक एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सेलाइवरी ग्लैंड, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा हुआ, सेकंड, तो आंसर चला जाएगा कौन सा, सेकंड, क्योंकि गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन ह्यूमन की आरबीसी में होता है ना कि प्लाज्मोडियम की आरबीसी में। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 139, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथीलियम इज कॉमनली फाउंड इन द डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी एंड द मेन फंक्शंस आर सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए भैया, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन दो का मेन फंक्शन है, एक क्यूबोडल और एक कॉलमनर, ठीक है, मेनली वही इन्वॉल्व होती है इसमें। बट यहाँ पर आपसे डक्ट ऑफ ग्लैंड बोला गया और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन बोला गया, और आप जैसा कि जानते हैं कि इन दोनों ही पार्ट्स के अंदर आपको मिलेगा कौन सा, क्यूबोडल एपिथीलियम, कौन सा मिलेगा, क्यूबोडल। स्क्वैमस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाता है, कॉलमनर स्टमक इंटेस्टाइन में होता है, सीलेटेड आपकी बॉडी के होलो ऑर्गन्स में होते हैं, तो आंसर चला जाएगा कौन सा, सेकंड। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 140 में आपको बोला गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पीनियल ग्रंथि का कार्य नहीं है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड, मेंटेन ऑफ स्लीप वेक साइकिल इन मैन, आदमी के अंदर स्लीप वेक साइकिल जो होता है उसको मेंटेन करना, बिल्कुल सही बात है, मेलाटोनिन का काम है ये। इन्फ्लुएंस पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, बिल्कुल जी सही बात है। हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल ये बॉडी टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है। प्ले मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स, नाइजी, ये काम होता है थाइमोसिन्स का, ये काम होता है आपका थाइमोसिन्स का, ना कि इसका। तो आंसर नंबर चला जाएगा कौन सा, फोर्थ, पीनियल ग्लैंड का फंक्शन फोर्थ नहीं है, बाकी सब है। काफी इजी क्वेश्चन था ये भी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 141, आपको क्या सेलेक्ट करना है, सोर्स ऑफ ड्रग के अकॉर्डिंग आपको एक ओड सेलेक्ट करना है। जैसे कि बेटा कोकेन, तो कोकेन एक कोका एल्केलॉइड है, इरिथ्रोजाइलम कोका से ऑप्टेन होती है, मेरिजुआना, चरस, गांजा, हसीस, ये सारे के सारे कैनाबिनोइड्स हैं, ये तीनों जो हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये हैं क्या, कैनाबिनोइड्स, और ये है क्या, कोका एल्केलॉइड। तो ऑप्शन चला जाएगा कौन सा, फर्स्ट, क्योंकि ओड ही सेलेक्ट करना है तो फर्स्ट आ जाएगा। 142 में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की अलग अलग फेजेस का ड्यूरेशन बोला गया है, लेकिन ड्यूरेशन में अपन देखें तो सही कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज का है। आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल है 30 डेज का। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ फेज ए एंड बी इफ मेंस्ट्रुअल फेज इज ऑफ 5 डेज, तो ये कह रहा है कि अगर मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो 5 दिन का है तो दी वी फेज बी और ए फेज कितने की होगी। बहुत ही सिंपल है बेटा, देखो टोटल डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है कितना, टोटल डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 30,
ओवुलेशन डे चेक करते हैं पहले तो, ओवुलेशन डे, ओवुलेशन डे हो गया कितना 30-14 इज इक्वल टू 16th डे, यानी 16th डे के ऊपर ओवुलेशन होगा। क्यों माइनस 14 क्यों? क्योंकि बेटा जो ल्यूटियल फेज है, जो सेक्रेटरी फेज है, उसका डे फिक्स है कितना 14 डे का, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने भी दिन का हो। जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसका जो फेज है वो फिक्स है 14 डेज का, उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन उस ड्यूरेशन में अगर फर्टिलाइजेशन ओवुलेशन के बाद नहीं हो रहा है, जब तक एग एक्टिव है, जब तक स्पर्म एक्टिव है, तब तक अगर वो मिल गए तो ठीक है, अगर नहीं मिले वो आपस में उनकी मीटिंग नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में। तो बेटा 16th डे पर है तो ये ए तो फिक्स हो गया ना बेटा 14th डे, ये 16 डे पर हो रहा है ये 5, तो बीच में बचे कितने 11 दिन, तो फर्स्ट में ए में 10 है गलत है, थर्ड में भी ए में 11 15, सेकंड ऑप्शन जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है अपने, तो आंसर चला जाएगा कौन सा सेकंड 143। क्वेश्चन नंबर 143, सेलेक्ट द ऑड वन विथ रेस्पेक्ट मिनरलोकोर्टिकोइड। देखिए क्वेश्चन तो हल्का सा ये रिपीट हुआ है, रिपीट का मतलब वहां पर आपको एल्डोस्टेरोन के बारे में स्टार्टिंग में ही कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही क्या कहा गया, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कहा गया कि जो मिनरलोकोर्टिकोइड है उसका सिक्रेशन तब नहीं होगा जब हम जोना ग्लोमेरुलोसा की सेल्स का डिस्ट्रक्शन कर देंगे। यहां पर बोला गया कि एक ऐसा ओड स्टेटमेंट चूज कीजिएगा जो इसको फॉलो नहीं करता मिनरलोकोर्टिकोइड को, तो ये स्टिमुलेट करती है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन को आपके ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, बिल्कुल सही है, मेनली कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, गलत है जी, ये काम होता है ग्लुकोकॉर्टिकॉइड का, मिनरलों का नहीं। सिक्रेट बाय द जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स, बिल्कुल सही बात है, सिक्रेट इज अंडर कंट्रोल ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, कॉन्सेप्ट आपको पिछले कई क्वेश्चन से समझ में आ चुका होगा, तो आंसर चला जाता है कौन सा सेकेंड, जी हाँ सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं जरा 144 नंबर क्वेश्चन के अंदर, जी हाँ यहाँ पर आपको दो टाइप के डिसऑर्डर दिए गए हैं जिनमें से आपसे बोला गया कि पेडिग्री चार्ट से हम किसको सॉल्व कर सकते हैं, किसको स्टडी कर सकते हैं, तो एक तो है बेटा क्रोमोजोमल डिसऑर्डर और एक है कौन से आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो क्रोमोजोमल और उधर अपन मेंडेलियन की बात करें तो जरा चेक करते हैं, थैलेसीमिया बिल्कुल इसको पेडिग्री से स्टडी किया जा सकता है, क्लाइनफेंटल सिंड्रोम बिल्कुल नहीं होगा जी, या तो क्रोमोजोमल म्यूटेशन की वजह से होने वाला है, कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल सही बात है, सिकल सेल एनीमिया बिल्कुल जी सही बात है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है ना, डाउन सिंड्रोम बिल्कुल गलत है जी, हीमोफीलिया बिल्कुल सही है, टर्नर सिंड्रोम गलत है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी बिल्कुल सही है, तो कितने हो गए 1, 2, 3 ये हो गया 4 और 5, तो 5 है इसमें, तो आंसर आ जाएगा कौन सा फर्स्ट, आप चूज कर सकते हैं इजीली, इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्रोमोजोमल है और कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 145 जिसमें आपको कहा गया है When a few individuals are dispersed from the parent population accidentally and they establish a new isolated colony at some distance from the place of origin, this phenomenon is known as. एक population है, उस population से individuals निकल कर बाहर चले गए और वहां जाने के बाद उन्होंने एक नया population establish कर लिया, तो ये जो migrate हो रही है ये founder है, क्योंकि इन्होंने आने के बाद एक फाउंडेशन रखा है, पॉपुलेशन स्टेब्लिश करी है, तो ये जो इफेक्ट है ये फाउंडर इफेक्ट है, बोटलनेक इफेक्ट तो जो है वो नेचुरल डिजास्टर की कंडीशन में होता है, डायरेक्शनल सिलेक्शन होगा नहीं, डिसरप्टिव सिलेक्शन होगा नहीं, इफेक्ट पूछा है आपसे, सिलेक्शन वैसे भी नहीं पूछा तो वैसे ही कट जाते हैं, तो आंसर चला जाता है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 146, इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, द एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी जो है, डोमिनेंट एलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 0.8,
ठीक है, मतलब p आपको दिया है 0.8. सेलेक्ट द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस यानी T2PQ को आपको निकालना है. 2PQ आपको निकालना है यहां पर, इसका पता करना है. पॉपुलेशन आपको इंडिविजुअल का दिया है 1000 का. तो अपन जानते हैं बेटा P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. ओके, P अपने पास है, निकालना हमें क्या है Q. Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी. 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2. ठीक है, हमें निकालना है 2PQ, तो वैल्यू रख दीजिएगा. 2P कितना है 0.2, और इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा साथ में, क्योंकि उसको बाद में मल्टीप्लाई करना है, साथ ही कर दीजिएगा. तो ये आ जाएगा बेटा 16 32.32. लगभग क्या एक्यूरेटी आ गया ना, 320 आ गया. कितना आ गया 320. 80 गलत है, 320 ऑप्शन में है बिल्कुल. 180 गलत, 120 गलत. तो आंसर चला जाएगा कौन सा, सेकंड. ठीक, ऐसे क्वेश्चंस आपसे नीट में पूछे जा सकते हैं, इसको खास करके सॉल्व करके ही जाइएगा आप. क्वेश्चन नंबर 147, वो जिससे डार्विन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था, माल्थस. ठीक है जी, क्या कहते हैं ये, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद द रेस्पेक्ट टू माल्थुसियन थ्योरी. थॉमस माल्थस जो था ना, उसकी थ्योरी जो है उसने इन्फ्लुएंस बहुत किया था डार्विन को. उन्होंने क्या कहा था माल्थस ने, उन्होंने कहा था एवरी पॉपुलेशन हैज एन इनहेरेंट कैपेसिटी टू इंक्रीज इट्स नंबर एक्सपोनेंशियली. यानी ये अपना नंबर जो है वो बढ़ाती है लगातार, ओवर प्रोडक्शन करना ये जानती है, और ये इनहेरिटेबल होती है प्रॉपर्टी. बिल्कुल सही बात है. द पॉपुलेशन रिमेन स्टेबल इन साइज इवन ड्यूरिंग ऑल सीजनल फ्लक्चुएशन. द पॉपुलेशन रिमेन स्टेबल इन साइज, बिल्कुल सही बात है. पॉपुलेशन साइज में स्टेबल रहता है इवन ड्यूरिंग ऑल सीजनल फ्लक्चुएशन. जी नहीं, सीजनल फ्लक्चुएशन में ही तो पॉपुलेशन का साइज बदलता है, बाकी तो स्टेबल रहता है. तो इसमें सेम रखा गया है, वो भी सारे सीजनल फ्लक्चुएशन में, तो गलत हो गया. एक्सेसिव एक्सप्लोइशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बैडली अफेक्ट द साइज ऑफ पॉपुलेशन. अगर नेचुरल रिसोर्सेज का अपन बुरी तरीके से यूज करें या समुपयोजन करें, तो इससे पॉपुलेशन पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है उसकी साइज के ऊपर. बिल्कुल सही बात है, बचेगा नहीं तो लड़ मरेंगे बाद में. नेचर कीप ए कंट्रोल ओवर द साइज ऑफ पॉपुलेशन बाई पोजिंग सेवरल चैलेंजेस. बिल्कुल, नेचर कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज रखती है, जिन अपॉर्चुनिटीज के अंदर जो इंडिविजुअल फिट हो जाता है उसको नेचर सेलेक्ट करती है. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है. तो सेकंड, माल्थुसियस या माल्थुसियन थ्योरी को जो है वो फॉलो नहीं करता है, या उसका पार्ट नहीं है, उसका एस्पेक्ट नहीं है, ये उसका पॉइंट नहीं है ये. क्वेश्चन नंबर 148, स्किन इन आवर बॉडी इज मेन बैरियर. कौन सा बैरियर, फिजिकल बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बिल्कुल जी, हो गया, सोल्व कर दिया, फिजिकल बैरियर है, कोई मतलब नहीं इसका. म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथीलियम लाइनिंग द रेस्पायरेटरी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रेपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग आर बॉडी बिलोंग टू विच ग्रुप. मतलब म्यूकस कोटिंग पूछा आपसे, क्या पूछा आपसे, म्यूकस कोटिंग. म्यूकस कोटिंग अपन जानते हैं रखा गया है किसमें, फिजिकल बैरियर में. स्किन और म्यूकस कोटिंग फिजिकल बैरियर में आते हैं आपके. तो फिजिकल बैरियर फर्स्ट ऑप्शन है. सेलुलर बैरियर के अंदर सेल्स आ जाती हैं, साइटोकाइन बैरियर के अंदर इंटरफेरोन आ जाता है जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स रिलीज करती हैं, और फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आपका HCL वगैरह आ जाता है, लाइसोजाइम वगैरह आ जाता है. तो बेटा जी यहाँ पर आंसर चला जाता है आपका फर्स्ट. ठीक है जी, चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149, जहां पर आपसे क्या पूछा गया है. बेटा क्वेश्चन अच्छा है, एनसीईआरटी के एक बहुत ही छोटी सी लाइन से है क्वेश्चन. अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो अपन जानते हैं छोटा सा भी मिस्टेक गलती करवा सकता है. हिंदी इंग्लिश के बच्चे खास करके इसमें ध्यान रखें, क्योंकि इंग्लिश में कई बार सही लिखा होता है, हिंदी में मिसप्रिंट की वजह से अपन गलती कर बैठते हैं. बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर व्हाई दीज आर रिक्वायर्ड. कई बार क्या होता है ना कि अपनी बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल होती है ना वो पकड़ में नहीं आती,
आपके इम्यून सिस्टम के, वरना अगर कैंसरस सेल या वायरस इन्फेक्टेड सेल, बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल, ऐसी अगर सेल होती हैं और वो सेल्स अगर पकड़ में आए तो इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, बट अगर वो पकड़ में नहीं आती तो इम्यून सिस्टम को जगाना पड़ता है, उसको अवेक करना पड़ता है। तो उसको अवेक करने के लिए, ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस कैंसरस पेशेंट को क्या दिया जाएगा, उसको दिए जाते हैं बेटा अल्फा इंटरफेरोंस। अल्फा इंटरफेरोंस एक्चुअली ट्रीटमेंट में काम आ रहे हैं यहां पर एक कैंसर पेशेंट के, क्योंकि वो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर है। बीटा इंटरफेरोन ना जी ना, गामा सवाल ही नहीं उठता, इंटरल्यूकिन ये तो मैसेंजर की तरह काम करते हैं आपस में, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स वाले पार्ट की बात करें हम आपकी, तो बेटा यहां पर आपका आंसर चला जाता है फर्स्ट, बाकी ऑप्शन का कोई मैचिंग ही नहीं है यहाँ पर। ये खास एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत ही ऐसे बेसिकली याद रखना होता है फिंगर टिप्स के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150, ये भी अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, मैच द कॉलम, फुल फॉर्म का क्वेश्चन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नीट में कोई फुल फॉर्म का क्वेश्चन आए नहीं, तो हमें भी लग रहा है कि शायद ये पूछ लिया ही जाए। इनकरेक्ट मैच करना नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही है, सिटी कॉम्प्यूटेड टोमोग्राफी बिल्कुल सही है, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बिल्कुल सही है जी, एलाइजा, एलाइजा का मतलब हो जाएगा एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, बट ऐसा ऐसा यहाँ पर नहीं है, तो आंसर नंबर चला गया कौन सा, फोर्थ। तो बेटा जी ये था आपका दंगल सेकंड, और दंगल सेकंड जो कि कंडक्ट हुआ आपको 6 जुलाई 2022 को, और आपने इसको मेरे साथ सॉल्व किया। आई होप आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और आप बहुत ही अच्छी मेहनत यहाँ पर हमारे साथ जुड़कर कर रहे होंगे। एक क्वेश्चन के अंदर डिक्रीज और इंक्रीज का थोड़ा सा अपना मिस्टेक हो गया था, तो उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैंने आपको सॉल्यूशन में बता दिया है कि वो डिक्रीज और इंक्रीज में क्या होना है। तो क्वेश्चन बहुत ही एक सेटअप पेपर के अंदर डाले गए हैं, इसके अंदर मीडियम एवरेज सारे क्वेश्चन आए हैं। आई होप आपने अच्छा किया होगा, गुड लक फॉर बेटर फ्यूचर, थैंक यू।